वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का, और आज नतीजों की लिस्ट है थोड़ी सी छोटी क्योंकि ढेर सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब आने बचे हैं काफी कम। तो बताइए अच्छे नतीजों के साथ करते हैं शुरुआत। वरिंदर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यू नो जैसे आपने बोला कि नंबर्स कम थे, बट अगेन थीम वही चल रही है, फार्मा टेक्नोलॉजी, यू नो यही है थीम इस अर्निंग सीजन की। सुवेन फार्मा के नंबर्स आए थे सर, कल नंबर्स अच्छे थे, बट ऑनेस्टली जिस तरीके से स्टॉक रन अप हो गया है उस हिसाब से आई विल से ओके नंबर्स। सेल्स 20% ऊपर थी, एबिटा 9% ऊपर था, बट प्रॉफिट फ्लैट था। बट मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज व्हाट पीपल आर बाइंग, दे आर नॉट बाइंग फॉर एक या दो क्वार्टर के लिए। जैसे हमने बोला कि स्टॉक ऑलरेडी यू नो इज अप ऑलमोस्ट 3 times फ्रॉम इट्स 52-week लो। सस्ता स्टॉक नहीं है सर ये, 28 times भी ट्रेड कर रहा है, 56% ROC है ऑफकोर्स इस कंपनी की। बट मैं यही बोलूंगा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कि जो अभी सोच रहे हैं कि सब फार्मा एपीए केमिकल ले रहे हैं, प्लीज लुक एट द वैल्यूएशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो आज की टाइम में, बिकॉज सस्ता कुछ नहीं रहा है अभी तक। लक्स इंडस्ट्री सर नंबर्स अच्छे आए थे, बट पूरी की पूरी कॉस्ट कटिंग यू नो हमने देखा कि कॉस्ट कंट्रोल बेनिफिट, और इसका एक इंटीग्रेशन भी हुआ एक और कंपनी के साथ जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से चल रहा था, उसके नंबर्स का भी इम्पैक्ट इस पे आया। तो सेल्स 6% नीचे था, बट एबिटा 30% ऊपर और प्रॉफिट 66% ऊपर था। मार्जिन्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है सर, एंड इट वॉज सरप्राइजिंग बिकॉज ये मार्च क्वार्टर जो जून क्वार्टर जो है पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भी कुछ ना कुछ यू नो वॉश आउट क्वार्टर होगा, बट 13% मार्जिन से 18% मार्जिन हो गए इस कंपनी के सर, और एज ए सेट सस्ता कुछ रहा नहीं है, 27 times पे ट्रेड कर रही है कंपनी, सो लेट्स सी यू नो फ्रॉम वेयर इट गोज फ्रॉम हियर। ओके, तो ये आपके लिए मजबूत नतीजे वाले, लेकिन कमजोर नतीजे किसके रहे हैं? तो सर वही है, एक कंपनी है HLE ग्लासकोट, यू नो उस कंपनी के नतीजे ठीक थे, आई विल से वीक थे कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। अगेन दिस इज वन कंपनी विच पीपल यू नो रैंडमली यू नो गिव कंपैरिजन विद अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज GMM के साथ, GMM फोल्डर के साथ। अगर नंबर्स देखें तो सेल्स 8% नीचे थी, एबिटा 4% नीचे था और प्रॉफिट 17% नीचे था। 47 times पे ट्रेड कर रहा है सर कंपनी, 17% ROC है, सो 40 crore प्रॉफिट कमाता है और 1750 crore इसका मार्केट कैप है। सो हैव बीन अ गुड परफॉर्मर, बट दिस क्वार्टर वॉज वीक एंड इट इज नॉट अ चीप स्टॉक, एज आई सेड 47 times पे ट्रेड कर रहा है। So, देखिए दूसरा कंपनी है सर हिंद रेक्टिफायर्स। आपने और मैंने मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साल हो गए सोचते हुए कि जब रेलवे बजट होगा तो ये स्टॉक हमेशा यू नो लाइमलाइट में आ जाता है, तो ये रेलवे स्टोरी है जिसने कभी स्टेशन छोड़ा ही नहीं है। तो सेल्स 30% नीचे थी, एबिटा 66% नीचे था और प्रॉफिट 93% नीचे था, 15 times पे ट्रेड कराया और नंबर्स कभी आते नहीं है, यू नो सो सैड स्टोरी, अ वीक क्वार्टर फॉर हिंद रेक्टिफायर्स। और एक लास्ट स्टॉक सर फुस में जो मैंने डाला है वो है ओरिएंट पेपर। रीजन इज बिकॉज 20 times पे ट्रेड कर रहा है, कमोडिटी प्ले, 20 times इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर दिस, बट इस पर अगर नंबर आप देखें तो सेल्स 46% डाउन थी, एबिटा लॉस था 16 crore का वर्सेस अ प्रॉफिट। ओके, तो